इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। शहर में तेंदुए की दहशत से हड़कंप मचा हुआ है। 3 दिनों बाद भी अभी तक तेंदुए को पकड़ा नहीं जा सका। वन विभाग ने आम सूचना जारी कर लोगों से अपील की है कि आसपास के क्षेत्रों में वन्य प्राणी होने की संभावना है, परंतु विगत 2 दिनों से वन विभाग की गश्ती दल को उसकी उपस्थिति के किसी भी प्रकार के कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। इस संबंध में लोगों से अपील की गई है कि सूर्योदय के पूर्व व सूर्यास्त के बाद अकेले घर से बाहर ना निकलें, अकेले ना घूमें। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी फैलाने नागरिकों के भय की स्थिति निर्मित कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाकर कानूनी कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी और 3 साल की जेल की सजा एवं साथ ही 5 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार SP विनायक वर्मा के मार्गदर्शन में आज यातायात थाने के सामने बिना हेलमेट पहने वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई एवं अन्य ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की गई जिनके कागज पूरे नहीं हैं। पुलिस द्वारा लगभग 100 से 150 लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई है। वाहन चेकिंग के दौरान सुरक्षित यातायात संचालन हेतु आम नागरिकों व वाहन चालकों को समझाइश देकर यातायात नियमों के पालन करने की अपील की गई है। जो हाईकोर्ट के निर्देश हैं कि बिना हेलमेट के जो भी मोटरसाइकिल हैं उन पर कार्रवाई करें और हेलमेट लगवाएं, इस पर हम लोगों ने SP साहब के निर्देश अनुसार है BHP साहब के मार्गदर्शन में हम आज सुबह से ही बिना हेलमेट वालों मोटरसाइकिल चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। आज हमने सुबह से 10 बजे चालू किए हैं, अभी तक हम लोग लगभग थाना यातायात में ही अकेले हम लोग 100 चालान कम से कम। जिला अध्यक्ष ने फूल बरसाकर किया बहनों का सम्मान। वार्ड क्रमांक 21 में लाडली लक्ष्मी बहन योजना को लेकर CM का वर्चुअल कार्यक्रम रखा गया जिसमें CM द्वारा विभिन्न घोषणाएं की गईं। इस उपलक्ष्य में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू द्वारा बहनों पर फूल बरसाकर सम्मान किया गया। एक महिला के प्रति, एक लक्ष्मी के प्रति, एक लाडली बहनों के प्रति, एक बुजुर्गों के प्रति हमारा प्रयास जो रहता है भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेंगे कि भाई बहन साथ चलेंगे, भैया के साथ रहेंगे और अपनी जिंदगी बदलेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मेरी बहनों, अब तुम्हें कोई झुका नहीं सकता, तुम पे कोई अन्याय नहीं कर सकता। आप सबको सिलेंडर 450 रुपए में माननीय मुख्यमंत्री जी उपलब्ध करवा रहे हैं, इसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरा, रक्षाबंधन मनाने के लिए 250 रुपए अभी आपके खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिंगल क्लिक से डाल दिए। अगली किस्त 1000 रुपए की आएगी, ये 1250 रुपए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारी लाडली बहनों को अक्टूबर से इसी महीने 1250 हो गए और अगले महीने फिर आपको 1250 रुपए की किस्त आपके खाते में जाएगी। आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया जिसमें कार्यकर्ताओं द्वारा कमलनाथ सरकार बनने पर होने वाले लाभों और योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। कमलनाथ जी का जो उद्देश्य है समृद्ध बने मध्य प्रदेश, उसके तहत जो 5 गारंटियां हैं उन 5 गारंटियों को युवा कांग्रेस के समक्ष रखने और इसे घर घर पहुँचाने के लिए 1 दिवसीय कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और ये 5 गारंटियाँ कौन कौन सी हैं ये मुझे अवगत कराने हैं। जैसे कि पहला गारंटी जो हमारा है वो 500 में गैस सिलेंडर है। दूसरा गारंटी है किसानों का कर्जा माफ। तीसरा 1500 हर महिलाओं को। चौथा पुरानी पेंशन लागू। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा गारंटी है वो है 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ। नारी सम्मान को लेकर 1500 रुपये दिया जाएगा। ऐसे तमाम वचन जो माननीय कमलनाथ जी किसान ऋण माफी योजना जैसी जो 2 लाख किसानों का कर्ज माफी योजना, ऐसी तमाम योजना जो माननीय कमलनाथ जी की जो जनहितैषी योजनाएं हैं उनको लेकर राहुल सिंह जी ने एक स्टिकर पॉम्पलेट जो समृद्धि कार्ड के रूप में हमारे जिले में लेके आए हैं, इसको आज हम जिला युवा कांग्रेस की बैठक रख के इस पे पूरे जोन 22, पूरे विधानसभा 22, पूरे ब्लॉक 22 इसको बंटवाने का काम करेंगे। शहर में फैट टू स्लिम का शुभारंभ हुआ जिसमें अब छिंदवाड़ा वासियों को एक्सपर्ट द्वारा डाइट प्लान दिया जाएगा। फैट टू स्लिम का शुभारंभ VIP रोड स्थित बग्गा हाइट्स में हुआ जिसकी फ्रेंचाइजी हेड प्रियंका शिवहरे और शिखा अग्रवाल शर्मा ने फैट टू स्लिम के बारे में बताया। अब छिंदवाड़ा और जबलपुर तैयार हो जाइए उस डाइट प्लान के लिए जो आपकी किचन से बनेगा, जो टेस्टी होगा, जहां पे आप छोले भटूरे समोसे खा के भी फिट हो सकते हैं और कोई भी साइड इफेक्ट
0% जो अब आप समोसे और आलू खा के भी फिट हो सकते हैं। तो अब ये वर्ल्ड फेमस डाइट प्लान आपके टाउन में है, पर ये वर्ल्ड फेमस है, बड़ा ब्रांड है, बट ये इकोनॉमिकल है क्योंकि फिटनेस सबके लिए होगी और आप घर घर के लिए होगी। तो चलिए आप वेट लूज करते हैं और फिट हो जाते हैं, क्योंकि मोटापा हर बीमारी की जड़ है। तो मोटापे को हटाइए और फिट और स्मार्ट हो जाइए। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी छात्र संघ के विधिवत चुनाव संपन्न हुए और AIA कैबिनेट 2023-24 का गठन हुआ, जिसमें हेड बॉय लक्ष्य महेश्वरी व हेड गर्ल आयुषी गडकरी को नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर GB रामटेके, यातायात DSP RP चौबे, AIA के चेयरमैन संजीव जैन, डायरेक्टर दीपक राज जैन, प्राचार्य रविशंकर माथुर एवं एडमिन विजेंद्र इंदुरकर शामिल हुए और AIA कैबिनेट 2023-24 की शपथ दिलाई। आर ऑनर हर बाय बैच रिमाइंडिंग हर द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स अस टू न्यूली इलेक्टेड हाउस प्रीफेक्ट मिस अंशिका भादे दैट हाउस प्रीफेक्ट मिस अंशिका भादे दैट फॉर न्यूली इलेक्टेड क्लास प्रीफेक्ट फ्रॉम ग्रेड टू अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी छिंदवाड़ा में एक खुशी का वातावरण था। हमारे जो बच्चे हैं उनको अपना क्या कहने की कैबिनेट हमारी उसका गठन किया गया। आदरणीय डीन सर मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा GB रामटेके मुख्य अतिथि थे, साथ में RP चौबे जी जो DSP यातायात थे उनकी विशेष उपस्थिति में हमने यह कार्यक्रम संपन्न किया। हमारे बच्चों का विधिवत चुनाव हुआ और उसके बाद कैबिनेट जो बनी उसका शपथ ग्रहण समारोह था। हजारों की संख्या में विद्यार्थी, अभिभावक। स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा राइफल शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 150 बच्चों ने भाग लिया। आगामी दिनों में होने वाली राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जिले भर से आए विद्यार्थियों को चयनित किया गया। हमारे यहाँ आज ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का शूटिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया गया और इसमें अलग अलग स्कूलों से बच्चे हैं, निर्मल पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, DPS के हैं और भी डिफरेंट स्कूलों से बच्चे आए, पार्टिसिपेट किया उन्होंने। और हम लोग बहुत ही इस चीज़ को चाह रहे थे कि एक शूटिंग को का प्लेटफॉर्म छिंदवाड़ा में हो, तो ये हमारा प्रयास है पहली बार कि हम उसको कहना चाहिए कि इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार एवं अभ्युदय लोक सेवा संस्थान छिंदवाड़ा के तत्वावधान में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत MLB स्कूल एवं नवीन जवाहर शाला में यूज ऑफ रोड सेफ्टी इक्विपमेंट कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा संबंधी समस्त जानकारियां प्रदान की गई। इस अभियान में राकेश सनोडिया, परीक्षित त्रिपाठी, संदीप विश्वकर्मा, आकाश बैस, विद्यालय के प्राचार्य एवं समस्त शिक्षक गण उपस्थित थे। सेवा दल द्वारा शहीद स्मारक पर हर महीने झंडा वंदन किया जाता है। यह कार्यक्रम शहीदों की याद में झंडा वंदन कर शहीदों को याद किया जाता है, उसी क्रम में आज झंडा वंदन किया गया। जिला अध्यक्ष सूरज कपाले जी और डॉक्टर सवाना यस्मिन काम, सभी पदाधिकारी को मेरा सादा प्रणाम। और झंडावन दिवस शहीद की याद में मनाया जाता है और लास्ट के महीने के लास्ट में झंडा दिवस मनाया जाता है। डॉ.
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाटिका में प्रति रविवार को चलाए जाने वाले बाल संस्कार केंद्र में होने वाली विभिन्न गतिविधियों की श्रृंखला में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। कार्यक्रम में बच्चों को रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और भुजलिया का क्या महत्व है जैसे विषयों पर जानकारी दी गई। भारत सरकार के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी मसूरी के द्वारा 98वें फाउंडेशन कोर्स के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए फील्ड स्टडी एंड रिसर्च प्रोग्राम के अंतर्गत जनजातीय जीवन और आजीविका विषय पर 26 अगस्त से 3 सितंबर 2023 के दौरान क्षेत्रीय अध्ययन और अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए छिंदवाड़ा जिले की जनपद पंचायत तामिया के ग्राम लहगड़ुआ एवं साज कुही को फील्ड अध्ययन और अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित करने के लिए चुना गया है। फील्ड अध्ययन और अनुसंधान के लिए जिले में पहुंचे 14 प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों के साथ कलेक्टर मनोज पुष्प ने आज कलेक्ट्रेट के मिनी संवाद कक्ष में मीटिंग की और प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त कर उनकी आवश्यकताओं को समझा।